हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होता है। थोड़ी सी भी लापरवाही कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको अपनी स्पेशल टेक केयर करनी चाहिए, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरा डाइट लेना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को आपसे ही न्यूट्रिशंस मिलता है। अच्छी डाइट ना लेने की वजह से, अपना प्रॉपर टेक केयर ना करने की वजह से आपको प्री मेच्योर डिलीवरी जैसी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होती है, क्यों होती है, किन कारणों से होती है, या इन शॉर्ट प्री मेच्योर डिलीवरी से जुड़ी सारी बातों को हम आज की वीडियो में जानेंगे, जिससे आप खुद को इस कॉम्प्लिकेशन से सेव कर सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्री मेच्योर डिलीवरी का मतलब क्या होता है। जब गर्भ में पल रहे बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाता है, मिस प्रेगनेंसी के 37 वीक को पूरा करने से पहले बच्चे का जन्म अगर हो जाता है तो इसे प्री मेच्योर डिलीवरी कहा जाता है। 37 वीक तक गर्भ में पल रहे बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है। 37 वीक के बाद बच्चा जब भी जन्म लेता तब वो सेफ होता है, हेल्दी होता है, बच्चे का वेट नॉर्मल होता है। बट 37 वीक को पूरा करने से पहले ही अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, बच्चे का वेट लो होता है। तो ऐसे में प्री मेच्योर जन्म में बच्चे की स्पेशल टेक केयर करने की नीड होती है। आइए अब जानते हैं कि प्री मेच्योर डिलीवरी के कारण क्या होते हैं, मिस बच्चे किन कारणों से समय से पहले बॉर्न हो जाते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी होने के मेनली दो रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन है मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, सेकेंड रीजन है प्रेग्नेंट लेडी का खुद का लाइफ स्टाइल। सबसे पहले हम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का फर्स्ट पॉइंट है यूट्रस में इन्फेक्शन होना। जब प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस में इन्फेक्शन होता तो बच्चा प्री मेच्योर बॉर्न हो सकता है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का सेकेंड पॉइंट है यूट्रस का बड़ा होना, बॉम्ब में एक से ज्यादा बच्चे का होना, यूट्रस मेल फॉर्मेशन होना। जब प्रेग्नेंट लेडी का यूट्रस बड़ा होता है या बॉम्ब में एक से ज्यादा बच्चे होते तब भी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकता है। साथ ही अगर यूट्रस मेल फॉर्मेशन हो, मिस यूट्रस में विकृति हो, तो भी प्रेगनेंसी का टाइम पूरा नहीं हो पाता, जिससे बेबी प्री मेच्योर बॉर्न हो जाते हैं। आइए अब प्री मेच्योर डिलीवरी होने के सेकेंड रीजन, मिस प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम जब प्रेग्नेंट लेडी का लाइफ स्टाइल सही नहीं होता तब भी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ स्टाइल की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होने का फर्स्ट रीजन है जब कोई लेडी बहुत ही कम एज में लाइक 18 ईयर से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, या जब कोई लेडी 35 ईयर्स के बाद प्रेग्नेंट होती, तो इस केस में भी प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी होने का सेकेंड रीजन है प्रेगनेंसी के टाइम वेट गेन ना होना। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होने से पहले काफी वीक थी या अंडरवेट थी और प्रेगनेंसी के टाइम उसका वेट नहीं गेन हो रहा होता है, तो इस केस में भी प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी होने का थर्ड रीजन है अल्कोहल, सिगरेट जैसी चीजों को कंज्यूम करना। प्रेगनेंसी के टाइम अल्कोहल, सिगरेट जैसी चीजों को कंज्यूम करने से भी प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम स्मोकिंग करना प्रेग्नेंट लेडी के लिए काफी हार्मफुल होता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से ब्लड लंग्स और हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, कई बार ब्लड प्लेसेंटा तक भी नहीं पहुंच पाता, जिससे प्लेसेंटा का साइज छोटा ही रह जाता है, प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होने का रिस्क बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ स्टाइल की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होने का फोर्थ रीजन है प्रेगनेंसी के टाइम प्रेग्नेंट लेडी का खुद पर ध्यान ना देना, प्रॉपर डाइट ना लेना। जब प्रेगनेंसी के टाइम आप खुद का प्रॉपर ध्यान नहीं रखती, प्रॉपर डाइट नहीं लेती, तो भी प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम खुद का कैसे ध्यान रखिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट के लिए अपने डाइट में क्या शामिल करें, इन सब बातों को जानने के लिए आप ऊपर दिए गए आइकन पे क्लिक करें। प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ स्टाइल की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होने का फिफ्थ रीजन है स्ट्रेस लेना। प्रेगनेंसी के टाइम जब आप स्ट्रेस लेते हैं, आराम नहीं करते, प्रॉपर नींद नहीं लेती, तो इन सब की वजह से भी प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ स्टाइल की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होने का सिक्स्थ रीजन है जब कोई लेडी पहली प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में ज्यादा गैप नहीं रखती, या यू कह लीजिए कि दूसरी प्रेगनेंसी में एक साल से कम का गैप रखती, तो इस केस में भी प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी के लाइफ स्टाइल की वजह से प्री मेच्योर डिलीवरी होने का सेवंथ रीजन है भारी काम करना, भारी वजन उठाना। प्रेगनेंसी के टाइम जब कोई प्रेग्नेंट लेडी भारी काम करती है, भारी वजन का सामान उठाती, तो इससे भी प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन
सब रीजन के अलावा कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाते हैं जिसे डॉक्टर आपको प्री मेच्योर डिलीवरी कराने को कह सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि प्रेगनेंसी में खून की कमी होना। जब प्रेगनेंसी के टाइम प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में खून की कमी होती है तो इस कॉम्प्लिकेशन को देखते हुए डॉक्टर आपको प्री मेच्योर डिलीवरी के लिए कह सकते हैं। सेकेंड कंडीशन ये है कि जब प्रेग्नेंट लेडी का वेट बहुत ही कम या बहुत ही ज्यादा होता है, प्रेग्नेंट लेडी स्ट्रेस लेती है, प्रेग्नेंट लेडी को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसे लंबे टाइम से कोई बीमारी है, तो इन सब केसेस में भी प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर आपसे प्री मेच्योर डिलीवरी कराने को कह सकते हैं। आइए अब जानते हैं प्री मेच्योर डिलीवरी के सिम्टम्स क्या है। प्री मेच्योर डिलीवरी का फर्स्ट सिम्टम है वजाइना से ब्लड आना। प्री मेच्योर डिलीवरी का सेकेंड सिम्टम है हर 10 से 12 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन का फील होना। प्री मेच्योर डिलीवरी का थर्ड सिम्टम है वजाइना में दर्द होना, पेट के नीचे की तरफ दबाव महसूस करना। वैसे तो प्रेगनेंसी में दर्द होना नॉर्मल बात है, बट ज्यादा दर्द होने के केस में आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये सारी बातें हो गई प्री मेच्योर डिलीवरी क्या होती है, क्यों होती, किन कारणों से होती है। आइए अब मेन पॉइंट पर पहुंचते हैं और ये जानते हैं कि खुद को प्री मेच्योर डिलीवरी से कैसे बचाएं। अब हम कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे जिन्हें फॉलो कर प्रेग्नेंट लेडी खुद को प्री मेच्योर डिलीवरी जैसे कॉम्प्लिकेशन से सेव कर सकती है। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए फर्स्ट प्रिकॉशन है प्रॉपर और बैलेंस्ड डाइट लेना। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए हर प्रेग्नेंट लेडी को प्रॉपर और न्यूट्रिशन से भरा डाइट लेना चाहिए। अपने डेली के डाइट में पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, मिल्क को जरूर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे आप हेल्दी रहें, आपके बॉडी में खून की कमी ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में खून की कमी को कैसे पूरा करें तो ऊपर दिए गए आई आइकन पर क्लिक करें, वहां आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए सेकेंड प्रिकॉशन है रूटीन चेकअप करवाना। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए आपको रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेग्नेंट होने के बाद आपको अपने डॉक्टर से रेगुलर मिलते रहना चाहिए। जब भी वो आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं आपको जाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर आपको जो भी टेस्ट करवाने को कहते हैं आपको वो सारे टेस्ट करवाने चाहिए। साथ में जो भी मेडिसिन या सप्लीमेंट आपको देते हैं उसे टाइम से रेगुलर आपको लेना चाहिए। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए थर्ड प्रिकॉशन है प्रेगनेंसी के टाइम अल्कोहल, सिगरेट को कंज्यूम करने से बचें। प्रेगनेंसी के टाइम आपको अल्कोहल या सिगरेट को कंज्यूम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट बॉम में ग्रोथ कर रहे बेबी पर पड़ता है। इससे मिसकैरेज या प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए फोर्थ प्रिकॉशन है फर्स्ट डिलीवरी के बाद सेकेंड डिलीवरी में एटलीस्ट आप 1 ईयर का गैप जरूर रखें। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने का फिफ्थ प्रिकॉशन है 18 ईयर से कम की एज में और 35 ईयर से ज्यादा की एज में प्रेगनेंट होने से बचें। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए सिक्स प्रिकॉशन है प्रेगनेंसी के टाइम स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। प्रेगनेंसी के टाइम आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इससे आपके और आपके बेबी दोनों के हेल्थ पर बैड इफेक्ट पड़ता है। इससे आपको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने का सेवंथ प्रिकॉशन है खूब पानी पीना। प्रेगनेंसी के टाइम एक दिन में आप कम से कम 7 to 8 ग्लास वाटर या 3 लीटर वाटर जरूर पिए। अपने बॉडी में कभी भी पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि पानी की कमी होने से डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पानी से ही गर्भ नाल का डेवलपमेंट होता है और गर्भ नाल से ही बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। इससे एमनियोटिक बैग भी बनता है। सो प्रेगनेंसी के टाइम बॉडी में पानी की कमी से माँ के बॉडी में एमनियोटिक लिक्विड का सप्लाई भी कम होगा, जिससे फिटल बॉम में घूमने की बजाय स्टेबल हो जाएगा, बैठ जाएगा, और इस कारण से प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो आप अपने बॉडी में कभी भी पानी की कमी ना होने दें, थोड़ा थोड़ा करके खूब सारा पानी पीजिए। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने के लिए एट्थ प्रिकॉशन है अपनी नींद का ध्यान रखना। प्रेगनेंसी के टाइम आप अपनी नींद का ध्यान रखिए, पूरी नींद लें, रात में टाइम से सोएं, मॉर्निंग में टाइम से जगे, दिन में भी थकान महसूस होने पर आराम करें। प्री मेच्योर डिलीवरी से बचने का नाइन्थ प्रिकॉशन है रॉ मीट, फिश, एग को ना खाना। प्रेगनेंसी के टाइम आपको रॉ मीट, फिश, एग या ठीक से ना पके मीट, फिश, एग को नहीं खाना चाहिए। सो इन सारे प्रिकॉशंस को फॉलो कर आप अपनी डिलीवरी को हेल्दी और सेफ बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। पेरेंटिंग केयर पे अगर आप नए विजिटर हैं, आपने नया विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।